नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट डायरेक्टर की एक और फैंटेसी की वीडियो में। और बता दे, ये रविवार के मैच होने वाले हैं और इस मैच में अगर बात की जाए तो ये आईपीएल सीजन 17 का 69वां मुकाबला यानी कि 69th मैच होने वाला है। और ये आईपीएल का आखिरी संडे एक तरीके से देखा जाए तो जो डबल हेडर के रूप में खेला जाएगा ये वो होने वाला है आखिरी संडे, सुपर संडे। ये लीग स्टेज के कुछ आखिरी मुकाबले आपको खेलते हुए दिखेंगे। अगर लीग स्टेज की बात करें तो ये सेकेंड लास्ट मैच होने वाला है जो कि सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच ये मुकाबला होते हुए आपको दिखेगा। और दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए तो पंजाब किंग्स तो पहले ही एलिमिनेट हो चुकी है, हालांकि पिछले मुकाबले में उन्होंने राजस्थान को हरा दिया था। लेकिन वहीं पे अगर सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो इनका पिछला मुकाबला बारिश के कारण धुल गया था और बारिश की वजह से मुकाबला अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था, एक भी बॉल वहां पे नहीं डाल पाई थी। और गुजरात के सामने ही मैच था, इनफैक्ट गुजरात और एसआरएच का वो मुकाबला बारिश के कारण धुल गया था, लेकिन पंजाब किंग्स ने अच्छी मैच खेली थी अपने पिछले मैच में और सनराइजर माफ करिएगा राजस्थान को वो हरा के आ रही है। जबकि एसआरएच की बात करें तो उससे पहले उन्होंने एलएसजी को बड़े ताबड़तोड़ तरीके से यानी कि 10 ओवर के अंदर ही वो मैच खत्म कर दिया, तो बहुत ही अच्छी वहां पे इनिंग अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की देखने को मिली थी। तो प्लेऑफ में सनराइजर हैदराबाद की टीम भी क्वालिफाई कर चुकी है, तीसरी टीम बन चुकी है और वहां पे ये दिन का मुकाबला होने वाला है हैदराबाद के मैदान पे। तो इस मुकाबले में एसआरएच की टीम जीत कर वो टॉप टू पे निगाह अपनी रखेंगे और दुआ करेंगे कि केकेआर के सामने राजस्थान की टीम हार जाए जिससे ये टॉप टू में 17 अंक लेके पहुंच जाए। लेकिन उसके लिए इनको पंजाब किंग्स के खिलाफ जीतना बहुत जरूरी होगा। तो उसी के लिए हम आ गए आपके साथ एक बार फिर से सुपर संडे को और सुपर संडे बनाने आपके लिए। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे फैंटेसी टीम आपको बताई जाएगी, तगड़ी टीम बनने वाली, आखिरी के कुछ मुकाबले, इसके बाद प्लेऑफ की दौड़ शुरू हो जाएगी। ये आखिरी संडे होने वाला है लीग स्टेज का, तो इसमें आपको एसआरएच और पंजाब किंग्स मैच की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पिच रिपोर्ट, टॉप पिक्स, टॉप बॉलर, टॉप बैट्समैन, स्मॉल लीग में किन खिलाड़ियों को लेना है, ग्रैंड लीग में किन खिलाड़ियों को लेना है, किसे कप्तान, किसे वाइस कप्तान बनाना है, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और साथ ही चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करा जाए तो सबसे पहले सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। आखिरी मुकाबला होने वाला लीग स्टेज का, इनका भी दिन का मुकाबला 3:30 बजे से रविवार को ये खेला जाएगा 19 मई को। और सनराइजर हैदराबाद की अगर प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो वहां पे आपको ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी, हेनरी क्लासन, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, सनवीर सिंह, पैट कमिंग्स, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, विजय कांत, साथ में टी नटराजन और अभिषेक शर्मा ऐसे इंपैक्ट प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। जबकि पंजाब किंग्स की तरफ से प्रभसिमरन सिंह, जॉनी बेस्ट्रो, राइलू रूसो, शशांक सिंह, जितेश शर्मा, सैम करन कप्तान होंगे, हरप्रीत बरार, हर्ष पटेल, नथन एलिस, राहुल चहर और अर्शदीप आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जबकि आशुतोष शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट हैदराबाद की राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की ये पिच होने वाली है जो कि हम सबको पता है यहाँ पे हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। पिछला मैच भी जो यहाँ पे हुआ था एलएसजी के सामने वो 10 ओवर के अंदर खत्म हो गया था, 167 रन बन गए थे। तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट होने वाली है, फ्लैट विकेट होती है यहाँ पे, हालांकि तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है क्योंकि उसी मैच में भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में केवल 12 रन देके 2 विकेट निकाली थी और तेज गेंदबाज यहां पे नटराजन भी, पैट कमिंग्स भी काफी विकेट निकालते हुए दिखे हैं। तो इस मैदान पे आपको तेज गेंदबाज असरदार साबित हो सकते हैं, हालांकि जैसे जैसे थोड़ी सी विकेट पुरानी होगी यानी कि मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर्स भी डोमिनेट करते हुए आपको देख सकते हैं। तो यहां पे हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा और चेज करने वाली टीम यहां पे ज्यादातर जीतते हुए आपको नजर आती है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। स्टैट्स पे अगर नजर डाली जाए तो यहां पे अगर स्टैट्स को हम देखें तो यहां पे अभी तक कुल 76 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से पहले बैटिंग करते हुए 34 बार टीम ने जीत हासिल करे, जबकि सेकंड चेज यानी कि चेज करते हुए सेकंड इनिंग में 42 बार टीमों ने जीत हासिल करी और एवरेज स्कोर 162 है। लेकिन अभी रुकिए, 2024 के अगर स्टैट्स पर हम नजर डालें तो यहां पे 2024 में अगर आप देखें तो 5 मुकाबले अभी तक खेले गए इस मुकाबले में, पिछला रद्द हो गया था इसलिए उसे इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पे 3 बार पहले बैटिंग करते हुए टीम ने जीते और चेज करते हुए 2 बार टीम ने यहाँ पे जीत हासिल करी है। इनमें से 3 बार 2 बार बड़े हाई स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं, एक बार 277 आपको देखने को मिला था स्कोर, इस वजह से वो पहले बैटिंग करते हुए चेज करते हुए टीमें हार गई थी। वहीं पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर भी देखा जाए तो 203 का आपको आईपीएल 2024 में राजीव गांधी यानी कि हैदराबाद के स्टेडियम में 203 का एवरेज स्कोर देखने को मिल रहा था। जाहिर सी बात है टीम जो भी टॉस जीतेगी वो यहाँ पे
पहले गेंदबाजी का फैसला करना चाहेगी, क्योंकि बाद में ड्यू भी यहां पर आती है। तो अब होगी पिच रिपोर्ट की बात, अब बात करेंगे हम लोग टॉप पिक्स बैट्समैन की। तो यहां पे सबसे पहला नाम ट्रेविस हेड, 533 रन। भैया जिस रफ्तार से ये खिलाड़ी खेल रहा है ना, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहा है। 533 रन बना चुका है 11 मैचेस में, 201 का स्ट्राइक रेट इसका देखने को मिलता है, जबकि अभिषेक शर्मा वहां पे 401 रन 12 मैचेस में और 205 का स्ट्राइक रेट। पिछले मैच में तो विकेट ही नहीं गिरनी थी, अकेले दम पे इन दोनों ने मैच जिता दिया था। वहीं पे अब पंजाब किंग्स से अगर बात की जाए तो जॉनी बेस्ट्रो 298 रन बनाए हैं, 152 का स्ट्राइक रेट है 11 मैचेस में, अच्छी पारियां खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं, या फिर इनकी जगह राहिलो रूसो भी हमारी टॉप पिक्स में जरूर होंगे। वहीं शशांक सिंह, क्योंकि पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है, 352 रन 13 मैचेस में अभी तक बना चुके हैं, स्ट्राइक रेट 166 का है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। शशांक सिंह एक बार फिर से आपके लिए महत्वपूर्ण प्लेयर हो सकते हैं इस मुकाबले के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ा जाए तो यहां पे बॉलर्स की बात की जाएगी। टॉप बॉलर्स की अगर बात करें वहां पे टी नटराजन होंगे 10 मैचेस में 15 विकेट लेके बैठे हुए हैं, जबकि पैट कमिंस 12 मैचेस में 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जबकि हर्षा पटेल पर्पल पटेल के नाम से जाने जाते 13 मैचेस में 22 विकेट लेके पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे भी चल रहे हैं। अर्शदीप सिंह ने 13 मुकाबलों में अपने नाम 17 विकेट करी है, तो ये चार गेंदबाज आपके लिए इस मुकाबले के लिए भी टॉप पिक होने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे अब बात करेंगे हम पिछले मैच के स्टैट्स की, जिसमें अगर देखा जाए एसआरएच की तरफ से तो अभिषेक शर्मा ने एलएसजी के सामने 75 रन बना दिए थे, ट्रेविस हेड ने 89 रनों की पारी खेली थी, भुवनेश्वर कुमार ने बड़ी शानदार गेंदबाजी करी थी, 4 ओवर में मात्र 12 रन 2 विकेटें अपने नाम करी थी, तो काफी शानदार रहा था एसआरएच का। लेकिन पंजाब किंग्स की भी बात करी जाए, जिन्होंने राजस्थान जैसी मजबूत टीम को हराया है, सैम करन 63 रन देके 2 विकेट अपने नाम करे थे, जबकि हर्षा पटेल ने भी 2 विकेट और राहुल चहर ने भी 2 विकेट ली थी, जो वो लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ था बांसपारा क्रिकेट स्टेडियम में गुवाहाटी में, तो वहां पे इनका बड़ा रोल था, हर्षा पटेल राहुल चहर का, सैम करन का भी बॉल से और बल्ले से भी उन्होंने रन करके दिए थे। तो ये थे स्टार परफॉर्मर्स पिछले मैच की। अब आगे बढ़े और स्मॉल लीग की अगर मस्ट पिक की बात करें तो एसआरएच की तरफ से आपको अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आपकी मस्ट पिक में होने ही चाहिए, चाहे अब पहले बैटिंग करें चाहे बाद में बैटिंग करें। भैया ये चेज करते हुए भी अच्छी पारियां खेल रहे हैं और पहले बैटिंग करते हुए तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है, तो इन दोनों को आप अपनी टीम में रखिए। वहीं पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो हर्षा पटेल और शशांक सिंह को आप अपनी टीम में रखिएगा। हर्षा पटेल इसलिए क्योंकि गेंदबाजी से लगातार विकेट निकाल के दे रहे हैं, हैदराबाद के विकेट है वहां पे, तेज गेंदबाजों को मदद भी मिलती है, तो डेथ ओवर्स में भी आएंगे और पावर प्ले के आखिरी ओवर्स में भी गेंदबाजी करने आते हैं, तो वहां पे ये विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। अब बात कर ली जाए हमारी फैंटेसी टीम की, तो विकेट कीपर के तौर पे हमें रखना है हेनरी क्लासन, वो हमारे टॉप चॉइस होने वाले हैं, जबकि जॉनी बेस्ट्रो भी वहां पे आपको दिखेंगे, तो इन दोनों को आपको एज अ विकेट कीपर बैट्समैन रख लेना है। जबकि बैट्समैनों की बात करें तो शशांक सिंह, अभिषेक शर्मा, राइलो रूसो और ट्रेविस हेड, ये मेरी चार पिक होने वाले हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स में सैम करन और नीतीश रेड्डी आपकी टीम में होने चाहिए। वहीं बॉलर्स की अगर बात करें तो भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और हर्षा पटेल को मैंने अपनी टीम में रखा है, तो ये हमारी एकदम तगड़ी टीम होने वाली है। कप्तान आप एक बार फिर से ट्रेविस हेड को, अगर अब तो फर्क नहीं पड़ता पहले बैटिंग कर रहे हैं तो भी कप्तान बनाइए, बाद में बैटिंग कर रहे हैं तो भी, वहीं पे सैम करन को वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं या फिर जॉनी बेस्ट्रो की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये थी हमारी फैंटेसी टीम एसआरएच वर्सेस पंजाब किंग्स मुकाबले के लिए। उम्मीद होगी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है और अंत तक अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर किए बिना कहीं मत जाइएगा। तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।